हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक इन दिस चैनल सो मैंने अभी तक जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे जो जो लोग पर्टिकुलर मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मैंने उनके रिस्पांस शीट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ऐसा टॉपिक जो ट्रेंडिंग में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आपके सामने ले कर और मैंने इसी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ए के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ए क्यों एक्चुअल में क्या है एक्चुअल स्कोप क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इसीलिए मैंने कुछ ए के जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर ए के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है तो चलिए आइए सीखते हैं उन उन सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स को उन सभी टॉपिक्स को एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हम उसको हम उनकी टर्मोलॉजीज़ को हम समझ सकते हैं फॉर फ्यूचर तो चलिए पहले हम बात करते हैं ए की अब बेसिकली ए सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है एक अप्रोच है जहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों को ट्रेन कर रहे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे तो हम ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस ये सबको पता है एंड एआई बनाया किसने था जॉन मैकेज़ इन 1956 फिफ्टी सिक्स बट ए आई के बारे में जानना ये जरूरी है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है इट इनेबल्स मशीन्स टू थिंक इट मीन्स हम पर्टिकुलर किसी मशीन को किसी मॉडल को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करा रहे हैं तो अब यहाँ पर वर्क कराना मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं अब वो ट्रेंड किस टर्म्स में ट्रेंड हो रहा है वो ट्रेंड हो रहा है कि वो हमारी तरह सोचे जस्ट थिंक अकॉर्डिंग टू अस लाइक एजन लर्निंग स्टेज या फिर हम एनाइजिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑल द टेक डिसीजन तो जब इन चारों प्वाइंट्स को जब हम कंसिडर कर लेते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ए आई है वो बेसिकली एज अ ब्रेन हम कह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर किसी मॉडल को ट्रेंड कर रहे हैं किसी मशीन को ट्रेंड कर रहे हैं बट हम एज ए मॉडल वो जो वर्क करें वो एज अ ब्रेन वर्क करें जहाँ पर वो एज अ थिंकर एज ए लर्नर और एज ए एनालाइजर एंड यू कैन टेक अ डिसीजन तो इस तरीके से हम एआई को समझ सकते हैं कि वी आर जस्ट वी आर जस्ट इनेबलिंग एज अ मशीन टू थिंक अबाउट द मल्टीपल टास्क तो ये एआई का एक टर्मोलॉजी है जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक एज ए ह्यूमन बॉडी की तरह वर्क करे जब हम बात करते हैं ए की बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो सबको कंफ्यूज करते हैं मैंने इस वीडियो में यही बताया है कि मैं आपको कम टाइम में आपको चीज़ों को प्रॉपरली समझा दूँ तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी स्प्लिट इंटू थ्री ब्रांचेज अब वो कौन कौन सी होती हैं ब्रांचेज सबसे पहले आता है आपका अप्लाइड ए आई दैट इज़ पी के आई और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की सेकेंड आता है हमारा जर्नलाइज ए आई जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग्ड ए आई स्ट्रॉन्ग ए आई एंड थर्ड वन इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अब ये जो तीन कैटेगरीज हैं आपको पता लग जाएगा मैंने यहाँ पर उन टर्म्स को बताने की कोशिश करी है कि जब हम अप्लाइड ए आई यानि कि जब हम किसी वी के आई पर वर्क करते हैं तो इट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क विद इफ़िशियंसी यानी कि हम अगर लो लेवल से लेके चलेंगे तो वो जो लो लेवल है दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड ए आई और अप्लाइड ए आई में हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क की जिसको जिसको हमें इफ़िशेंटली परफॉर्म करवाना है तो जिसमें आप देख सकते हैं एलेक्सा सबको पता है एलेक्सा के साथ साथ मीट या और गूगल असटेंस ये सबको पता है कि ये दोनों जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं एलेक्सा और गूगल मीट या गूगल असटेंस ये डेली बेसिस पर आप यूज़ कर सकते हैं तो दीज आर द एग्ज़ाम्पल दैट ट्रीटेड एज अ अप्लाइड ए आई दैट इज कॉल्ड वी के आई एंड देन जब आगे हम बढ़ते हैं ए आई को और अच्छे से समझते हैं तो हम हमें पता लगता है कि जो जर्नलाइज ए आई स्ट्रॉन्ग ए आई होता है वो क्या कर रहा है बेसिकली इट रेफर्स टू मशीन दैट एग्जिबिट ह्यूमन इंटेलिजेंस इट मीन्स जो हमारा जर्नलाइज ए आई है उसको हमने देखा है जैसे बॉलीवुड मूवीज़ या हॉलीवुड मूवीज़ में आपने कुछ मूवीज़ के नाम में यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ जैसे आप देखेंगे जारवेज आपने देखा होगा वहाँ पर एक रोबोट बनाया गया था जो जारवेज प्रॉपरली ट्रेन था जिसको प्रॉपर कमांड के साथ प्रॉपरली इसको जब ट्रेन किया गया था तो वो सारे स्पेसिफिक टास्क के अलावा भी कुछ ऐसे टास्क थे जो अपने अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा था तो हम उसको ले रहे हैं एज ए जर्नलाइज ए जब हम बात करते हैं सुपर इंटेलिजेंस इट मीन्स जो आपका इंटेली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक एज अ ग्रेटली एक्सीड द कांगनेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन इन वर्चुअलिटीज़ एंड ऑल द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट इट मीन्स जो उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं वो उस पर भी जाना चाह रहा है इट मीन्स वी आर जस्ट कंपेयरिंग दीज टू टर्म्स जर्नलाइज ए आई एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एंड वी कैन कम्पेयर ऑल द सेगमेंट्स एंड ऑल द कंपेटिव स्टडीज अलॉन्ग विद दिस तो जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है ए आई एंड मशीन लर्निंग अब मैं आपको फटाफट इस वीडियो में यह भी बताने चाह रहा हूँ कि ए आई को हमने एज ए सबसेट ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ा जो एक पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू ट्रेंड हो रहा है ए आई और जिसको हम सिंपली वीक ए आई स्ट्रॉन्ग ए आई के टर्म्स में हम समझ रहे हैं अब जब ए आई की बात करिए तो ऑब्वियस सी बात है मशीन लर्निंग भी आएगा तो मशीन लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं मशीन लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग की सुपरवाइज लर्निंग एज अ लर्निंग जहाँ पर वी आर लेबलिंग द डेटा इट मीन्स वी हैव सम लेबल डेटा दैट इज़ अ बॉडी मास इंडेक्स एंड बाद में आ रहा है एक अनसुपरवाइज इंडेक्स जिसको हम अनसुपरवाइज लर्निंग बोल रहे हैं और इन दिस लर्निंग वी डोंट हैव एनी लेबल डेटा लेबल डेटा मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ डेटा एंड वी कैन मेक क्लस्टर्स ऑफ डेटा इट मीन्स वी कैन मेक अ पर्टिकुलर क्लस्टरिंग फॉर दैट तो ये क्लस्टरिंग यहाँ पर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स है जिसकी एक प्रॉपर लेबलिंग हो रखी है कि हमें पता है कि नॉर्मल वेट इतना आता है हमारा ओवर वेट इतना है एंड सो ऑन तो ये एक प्रॉपर लेवल्ड है सारी चीज़ें क्लास बनी हुई हैं लेकिन जब अनसुपरवाइज होगा तो वो विदाउट लेबलिंग है वहाँ पर सारी चीज़ें स्कैटर्ड हैं उनको हमें किसी तरीके से सिमिलैरिटीज़ में एज ए क्लस्टरिंग फॉर्म में बनाना है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो बेसिकली टारगेटेड ऑडियंस हमारी कोई एज सच जब हम ए और एम की बात करते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है टारगेटेड ऑडियंस का मतलब है कि हमें ए और एम को उस पॉइंट्स पर लेके जाना है जहाँ पर लोग उसको समझना चाह रहे हैं तो वी कैन से कि टारगेटेड ऑडियंस बहुत ही सिंपल है हमें उसको ज़्यादा होच पोच नहीं करना है हम इसको फिल्टरिंग फॉर्म में लेके आना है इन टर्म्स ऑफ एनी कंप्यूटर साइंस एरिया अब जब बात करते हैं रेनफोर्स लर्निंग की रेनफोर्समेंट लर्निंग इट मीन रेनफोर्समेंट लर्निंग दट is some part of data is labeled and some part of data is unlabeled अनलेबल्ड रेनफोर्स आपको पता है जैसे हम पढ़ते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज जैसे ही उसी हिसाब से रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है जहाँ पर कुछ डेटा लेबलिंग एंड कुछ डेटा अनलेबल फॉर्म में है तो इट विल बी ट्रेन फ्रॉम पास डेटा एज सुन एज इट कम्स इन न्यू इन्वायरमेंट इज स्टार्ट टू लर्न एंड द बिहेव अकॉर्डिंगली तो रेनफोर्स रे इनफोर्समेंट लर्निंग में मैंने अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया हुआ है जैसे कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है हाउस इन्वायरमेंट वहाँ पर हमने एक कैट अगर हम कोई एक एनिमल या कोई भी एक पर्टिकुलर जो है जैसे लाइक एज ए डॉग हम पाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कैट का एग्जाम्पल लिया है कि कैट एज एजेंट है जो क्या इसका बिहेवियर क्या है सिटिंग वो बैठी है वहाँ पर उसका अचानक से एक्शन बदलेगा यानी कि उसका बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर क्या होगा वो वॉक करने लगेगी इट मीन्स उसका स्टेट चेंज हो गया सिटिंग से वो सडनली किस पे आ गई वॉक पे अब वो जैसे ही वॉक कर रही है यानी कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको इट विल बी ट्रेंड वो यानी कि वो ट्रेंड है चलने के लिए ट्रेंड की गई है फ्रॉम पास डेटा यानी कि वो पास डेटा पहले बैठी हुई थी उसके बाद अब वो चल रही है इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा एक न्यू कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम एज ए रिवॉर्ड मान के चल रहे हैं वो एज ए रिवॉर्ड है तो ये रे लर्निंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये भी आपके काम आएगा फॉर फर्दर अब आप देखेंगे मैंने कुछ मूवीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे आपको बॉलीवुड में पता है पीके मूवी है अब जब इसका बिहेवियर जैसे कि मैंने आपको रेनफोर्समेंट लर्निंग में बताया है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली कुछ डेटा लेबल्ड है कुछ अनलेबल्ड है बट जो भी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है अब ये जब मूवी आई थी तो लोगों के माइंड में था कि क्या मूवी में क्या है गॉड के बारे में गॉड रिलीजियस के बारे में बताया गया है तो सडनली हुआ क्या एट द एंड लोगों का जो बिहेवियर उस मूवी को देखने के बाद सडनली चेंज हुआ तो वो एक स्टेट था उस स्टेट से उनका क्या एक्शन क्या बिहेवियर रहा इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली तो ये एक पिक्चराइजेशन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ऐसे ही दूसरी मूवी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हम बात करते हैं गुड विल हन्टिंग दैट इज़ अ कॉमेडी फैन अब ये जो कॉमेडी फैन है एक और मूवी आई है आपकी गुड विल हन्टिंग दैट इज़ ए रोमांस फैन इट मीन्स जो लोगों का एक्शन है वो उस मूवीज़ के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है सडनली तो जब अब हम बात करते हैं इतनी सारी चीज़ों के बीच में हमने एम एल भी बोला हमने ए आई भी बोला अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वह है ए आई मतलब ए आई की हमें इम्पोर्टेंस ऐसी क्या है ऐसी क्या नीड है तो मैंने कुछ यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई हैं एज यू कैन सी द फ्यूल ऑफ ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी जो फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा है तो हमें किसी तरीके से टेस्ला प्रोजेक्ट्स में जो गाड़ जो हमारी गाड़ियाँ जो हमारी कार्स हैं वो आ रही हैं तो हमें उनको भी ट्रेन करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स हैं वो हमारे बन रहे हैं तो हमें वहाँ पर ये देखना है कि कितना फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है एज द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि जो डिमांड है और जो सप्लाई हो रही है उसका भी हमें प्रॉपर एक बैलेंस रखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन फर्दर आगे के वीडियोस में करता रहूँगा अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ए और एम जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन सी टर्मोलॉजीज पर हम कवर कर सकते हैं अब जैसे एलुकोटिव करियर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ए बेटर है ए इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है अगर आप ए की बात करें तो इमेजिंग सिस्टम है एंड देर आर मैनी मैनी मोर एग्जाम्पल्स एज यू कैन कंसिडर एंड यू कैन यू कैन जस्ट टेक इट फ्राम बैक सो ए आई एज ए फ्यूचर हम मान के चल रहे हैं क्योंकि जब ये सारी फील्ड्स पर कवर करेगा तो इसको हम ऐज ए फ्यूचर वर्क के तौर पर ले कर चलेंगे अब इन सब चीज़ों के बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये दोनों आपने वर्ड सुने होंगे जब हम रिग्रेशन पढ़ते हैं तो रिग्रेशन मतलब कि वी आर जस्ट फोकसिंग अ पर्टिकुलर मॉडल दैट एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट वेरिएबल दैट इज डिनोटेड एज एक्स एंड द सिंगल आउटपुट वेरिएबल जो हमारा वाई की फॉर्म में है तो लीनियर इग्रेशन सिम्पल है जहाँ पर एक सिंगल प्रडिक्टर है जो एक्स ले रहा है एज ए इनपुट और वह आपको आउटपुट देगा वाई बट हमें सिंगल लीनियर रिग्रेशन से काम नहीं करना है हमें मल्टीपल ले कर चलना है ए आई के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको मल्टीपल प्रडिक्शनस लेके चल रहे हैं तभी आप एक डिसीजन पे आ पाएंगे जो डिसीजन या जो वेरिएबल हमारा वाई है यानी कि आपको एन नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल लेने हैं जिसको हमने एक्स बताया है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन मल्टीपल प्रेडिक्टर्स और आप प्रेडिक्शन के बेसिस पर मल्टीपल प्रेडिक्शन के बेसिस पर आप अपने आउटपुट को बेहतर बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए आई तो ये लीनियर रिग्रेशन का है इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करी थी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है प्राइस मैंने वाई की फॉर्म में लिया है और वेट मैंने एक्स तो ये जैसे जैसे प्राइस अपने आगे पीछे कंडीशन चेंज करेंगे लीनियर रिग्रेशन कंडीशन चेंज होती रहेगी क्योंकि यहाँ पर हम एक सिंगल एक्स लेके चल रहे हैं यानी कि एक सिंगल लीनियर लाइन लेके चल रहे हैं जो डिसीजन हमारा सिंगल एज ए इनपुट इंडिविजुअल एक्स है और जो हमारा वाई है वो हमारा आउटपुट एज ए सिंगल वाई चल रहा है तो लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपका चल रहा है एंड एरर और रेसिड्यूल्स ये मैंने एक आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि फर्दर के वीडियोज जो होंगे मेरे ए आई बेस्ड होंगे उसमें मैं आपको ऐसे कुछ टर्म्स समझाता रहूँगा जिसमें मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन की बात करी है या एरर्स की बात करी है यू कैन फाइंड द एरर्स इन बिटवीन आप एरर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है एक रैंडम ग्राफ है उस रैंडम ग्राफ के अंदर ज़ीरो से लेकर मैंने थर्टी तक इस रेंज को पहुँचाया है जिसमें वो आपका एक स्केलिंग चेक कर रहा है अब इन बिटवीन हमें एरर पता करनी है तो जितने नीचे ये एररो डाउन है वो सारे के सारे एरर आइटम्स हैं यानी कि एरर टर्म्स पे फॉर्म में चल रहे हैं तो ये रिग्रेशन जैसी टेक्निक को और ज़्यादा एलैबरेट कर देता है ये जो आपका डायग्राम है ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताता रहूँगा तो अब जैसे मैंने इन सब चीज़ों के बीच में एक आपका कॉस्ट फंक्शन होता है अब ये कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या है कॉस्ट फंक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ रेग्रेशन या नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो हम उन आइटम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला इस फार्मूला को आपको नोट करके रखना है और फर्दर वीडियोस में मैं आपको इस कॉस्ट फंक्शन को और अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें ए के बारे में पता लगी होंगी ए आई प्लस एम एल एंड वाई ए आई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सो थैंक यू वॉच थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा बताए गए हैं तो वो भी आप मुझे बताएं सो so, दैट मैं आगे फर्दर आपके लिए और बेटर वीडियोस ला सकूं सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो